नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नर द्वारा महिला सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनवाई जा रही, तो वहीं पुलिस नहीं रख पा रही है महिलाओं को सुरक्षित। आए दिन हो रही है महिलाओं के साथ घटनाएं। थाना काकोरी में ग्राम प्रधान और उनके बेटे ने बहू को जान से मारने की कोशिश की। लाठी डंडों से अपनी पत्नी पर हमला करके लहूलुहान कर दिया। उनकी पत्नी का कहना है कि पति और ससुराल वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। एक साल पहले पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है, जिसके कारण पैसों का इंतजाम करने में पीड़िता असमर्थ है। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने कहा कि अगर पुलिस से शिकायत करोगी तो जान से मार देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ इतनी शक्ति के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस का डर नहीं है अपराधियों को, और ना ही डर है दहेज के लोभियों को। आखिर क्यों? ऐसे में महिलाओं पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और अपराध कैसे थमेंगे? लखनऊ से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है? आपके पति का नाम क्या है? दीपक। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सेता। ये कहाँ पर पड़ता है? काकोरी। आप पूरी घटना की हमें बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? उन्होंने बहुत ज्यादा मारा है और डंडे से मारा है, बहुत सर में चोट आई है और पीठ में भी बहुत चोट आई है। सर में चोट आई है, चोट दिखाइए मुझे। किस चीज से मारा है आपको? डंडे से मारा है। डंडे से मारा है, और क्यों मारा है? उन्होंने पैसे की मांग की थी। पैसे की मांग की? कितनी मांग की है उन्होंने? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की। कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।